मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में कोरोना मरीजों की संख्या 70 तक पहुंच गई है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में कौसा रशीद कंपाउंड चरनीपाड़ा में जो कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, उन इलाकों में जब मनपा द्वारा मेडिकल सर्वे करने के लिए पहुंचे तो उनका कई लोगों ने विरोध किया, जानकारी देने से मना कर दिया और इनसे कहा गया कि आप लोग यहां से चले जाएं। दरअसल ये लोग एनआरपी और एनआरसी से डर रहे हैं, मगर लोगों को भी समझना चाहिए कि ये टीम जांच के लिए आती है और इनका भी सहयोग करना चाहिए। मगर रशीद कंपाउंड चरनीपाड़ा में मेडिकल सर्वे की टीम को सर्वे करने से रोका गया, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी और कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी भी मौके पर पहुंचे और मेडिकल टीम को सर्वे करने के लिए दोबारा कहा गया और सर्वे भी मेडिकल टीम ने दोबारा शुरू की। इस दौरान मनीष जोशी ने मेडिकल सर्वे का विरोध करने वालों को आगे से ऐसा न करने की हिदायत दी और कहा कि अगर मुमरा कौसा में किसी ने भी मेडिकल टीम के साथ बदसलूकी या सर्वे में रुकावट डाली तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस शहर के लिए सर्वे चल रहा है, एक मिनट, और वो भी होगा, लेकिन ये नहीं तो वो नहीं, ये नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग अगर आपको होगा सुनो ना, नहीं नहीं तकलीफ अलग बात है, लेकिन सर्वे को विरोध किया मुझे अभी कभी अंदर डाल दूंगा। नहीं नहीं, अभी हमारी लेडीज इधर आई, यहाँ केस हुए आपकी तरफ। यहाँ कहाँ केस हुआ? अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पूरा 2 किलोमीटर का दायरा होता है ना, इसमें सब जगह पूछा जाता है। अच्छा। और मेरा कहने का मतलब है आप हमारी लेडीज को विरोध कर रहे हैं? क्या विरोध किया? कुछ कहा मेरी बात सुनिए, ये आपकी सेहत, आपकी तबीयत जरा दूर बिचरे, ये आपको सर्दी जुकाम नहीं है, क्योंकि देखिए अगर समय पे पता चला तो आपको वायरस होगा नहीं तो आप भी ऊपर वाले के पास चले जाएंगे। इसीलिए सुनिए, हो इसीलिए हमारी यहाँ लेडीज यहाँ आ रही है, और अगर इसमें इलाके में किसी ने भी विरोध किया, एक काम करा चला किसी तरह पर आठ टाका कोणी जरी विरोध केला ना इकडे, लक्षात ठेवा, हे तुमचे, हे देखिए, ये आपके सेहत के लिए हो रहा सर्वे। अगर आपको राशन का कुछ प्रॉब्लम है वो भी आप मुझे बोल सकते हो। सुनिए, मैं इस एरिया का डिप्टी कमिश्नर हूँ, अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप मुझे बोलेंगे, लेकिन इथे जर कोणी नेतागिरी करायला लागला ना, मला लक्षात ठेवा, ये बायका आहेत, त्यांची रिस्पेक्ट करा, इनकी इज्जत कीजिए। और आपसे तो बहुत उम्मीद है, अगर आप ही विरोध करने लगे तो और क्या होगा? आपकी उम्र देख के मैं चुप हुआ, नहीं तो आपको भी अंदर डालूंगा। चल शुरू कर रहे। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।